हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नीट स्टडी व्लॉग नंबर 5। तो आज सुबह मैं उठ चुका था 5:20 के आसपास। फिर जो है मैं जल्दी से जो है फ्रेश हो लिया और फ्रेश होकर जो है मैं चला गया फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। फजर की नमाज़ पढ़ने में जो है मुझे 10 से 15 मिनट लग गए। फिर फजर की नमाज़ से आकर जो है मैंने जल्दी से अपना रूम का डोर जो है अनलॉक किया, और रूम को अनलॉक करने के बाद जो है देखा तो टाइम हो चुका था 5:50 के आसपास जो है टाइम हो चुका था, यानी लगभग 6 बज चुके थे। फिर जो है मैंने जल्दी जल्दी अपने स्टडी टेबल के सामने जो भी मैंने पीरियोडिक टेबल वगैरह फार्मूलास और बायोलॉजी के कुछ IMP यानी जो है मोस्टली PYQs आ चुके हैं नीट में, और सारे चार्ट्स वगैरह को जो है मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लिया। और ये रिवाइज़ करने में जो है मुझे लगभग पूरा आधा घंटा लग चुका था, क्योंकि फिर जो है 6:30 बज चुके थे। 7 से जो है मेरी कोचिंग क्लास थी, तो मैं जल्दी से जल्दी जो है कोचिंग के लिए रेडी हो गया अपना बैग पैक करके। तो आज कोचिंग के लिए जो है मैं अकेला ही जाने वाला था, तो मैं जल्दी से जो है निकल गया अकेला ही कोचिंग के लिए। कोचिंग मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो है पैर पैदल ही जाता हूँ, बाइक से कम ही जाता हूँ। तो गाइस, कोचिंग से जो है मैं 12 के आसपास लगभग आ चुका था। मैंने खाना वगैरह खाया और फिर जो है 12:30 बज चुके थे। 12:30 से जो है मैंने अपना स्टडी सेशन फर्स्ट स्टार्ट किया, जो था बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मेरे थोड़े से नोट्स बाकी थे, तो जल्दी जल्दी मैं इसके नोट्स बना लेता हूँ, फिर आपको आगे मिलता हूँ, क्योंकि भाई मैं एक ही मोबाइल से शूट करता हूँ और एक ही मोबाइल से लेक्चर देखता हूँ। चलिए, आपको मिलता हूँ मैं आगे। तो यार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के मैंने कंप्लीट नोट्स बना लेते, फिर मैं जोहर की नमाज़ पढ़कर जो है रेगुलर जो है 2-3 सोता हूँ। फिर जो है सो के उठने के बाद 3:15 जो है मैं वापस से अपने टेबल पे आ गया, और अब मेरा जो है 3-5 होता है केमिस्ट्री सेशन। सेकंड सेशन जो होता है उसमें मैं केमिस्ट्री स्टडी करता हूँ। तो केमिस्ट्री का जो मेरा जो हमारा कोचिंग पे चालू था DNF ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो है मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया जितना भी कोचिंग पे हो गया था, और उसकी प्रैक्टिस वगैरह की थोड़ी मतलब उसको याद करने की कोशिश की। फिर 5:30 तक जो है मैंने केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो रिवाइज करा जल्दी से, और फिर जो है मैं अज़हर की नमाज़ पढ़ के जो है 6 से 7 तक घूमने के लिए चला गया। 7:15 जो है मैं घूमकर घर पर वापस आ गया था। फिर जो है मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह किए, MTG 36 वाली में से जो है मैंने PYQs किए 36 के पर्टिकुलर चैप्टर के। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए या फिर फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन वगैरह करने के लिए कौन सी बुक यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगर मुझे वो बुक अच्छी लगे तो मैं भी उसे खरीद सकूँ। 9 तक के जो है मैंने फिजिक्स की स्टडी की, फिर जो है मैं चला गया ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईशा की नमाज़ पढ़ने में जो है मुझे 20-30 मिनट लग गए। फिर मैं आया 9:30 जो है मैंने जल्दी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है NCERT में से पूरा रीड किया, क्योंकि मेरा इस पर जो है कल टेस्ट है, इसलिए इसको जो है मैं पूरा याद कर रहा था डबल से, पूरे नोट्स में से भी इसको पढ़ रहा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर करने में रिवाइज़ करने में जो है मुझे 10:15 बज चुके थे। उसके बाद जो है मैंने N1 की बायोलॉजी जो है रिवाइज़ किया। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ 12th के साथ 11th को भी रिवाइज़ कैसे करें। तो मैंने एक जो है खुद को चैलेंज दिया था, आप चाहे तो इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, 11th की केमिस्ट्री और अपने बायोलॉजी रिवाइज़ करने के लिए डेली जो NCERT है, क्योंकि आपको पता ही है NCERT जो है सबसे ज़्यादा मेन है 11th और 12th में भी। केमिस्ट्री में जो है मैं डेली 20 पेज रीड करता था रात में NCERT के केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में जो है डेली 15 पेज जो है डेली मैं रीड करता था। आप देखते थे 2 पहले मैंने चैलेंज किया था, 32 पेज मेरे रीड हो चुके थे। 32 के बाद से जो है अब 38 मतलब पीछे जो है वो सारे 32 के बाद अब मैंने जो है इसको रिवाइज़ करना शुरू किया। अब जो है मैं इसको पढ़ूँगा 43-47 तक, आई थिंक 15 पेज मैं भी इसके रीड करने वाला हूँ। उसके बाद जो है मेरे 15 पेज रीड हो गए थे, मैंने रीड कर लिया था NCERT बायोलॉजी के 11th के। अब जो है मैं जल्दी से इसमें लिख लेता हूँ अपनी डायरी में 15 पेज जो है इसके कर लेता हूँ। आज जो है केमिस्ट्री को मैं अवॉइड करने वाला था 11th की, क्योंकि 12th का जो है मुझे बहुत सारा अभी बाकी था मेरा पढ़ने का, क्योंकि मेरे टेस्ट थे भाई 12th के, एक जैसे जो है मेरे 3-4 टेस्ट है 12th के अभी, तो इस वजह से अभी जो है मैं ज़्यादा 12th पे ध्यान दे रहा हूँ और NCERT को मतलब 11th को कम ही रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो ये सब रिवाइज़ करते मतलब 15 पेज रीड करने में जो है मुझे 11:30 बज चुके थे।
फिर जो है 11:30 से मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की, और मैं इस चैप्टर को अभी पूरा रीड करने वाला हूँ ताकि जो है आगे इसका बैकलॉग ना बने। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ। सवा 12 बजे तक के जो है मैंने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया था एनसीईआरटी से। अब जो है मैंने अपने नोट्स भी जो है दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया और इन नोट्स को भी जो है मैं रिवाइज कर लिया। मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि भाई एक हाथ से जो है मैं रीड कर रहा हूँ और एक हाथ से वीडियो ले रहा हूँ, तो वीडियो सही नहीं आ पाई है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो ही बता रहा हूँ। तो मैंने इसको जो है इसको भी अभी मैं पूरा रीड कर लेता हूँ। सब नोट्स भी मैंने पूरी इसकी रिवाइज कर ली थी जल्दी जल्दी से। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले तो लाइफ टाइम बता देता हूँ अभी क्या हो रहा है, रात के कितने बज रहे हैं। आप वैसे तो देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे साइड में 12:44 AM हो रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको सर्च करके बता देता। तो यार तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर देना। तो आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हो रहा है महाराष्ट्र में 12:44 AM यानी रात के 12 बज चुके हैं। संडे 3 सितंबर का ये व्लॉग है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।